बिहार की राजनीति में इस वक्त लालू परिवार में छिड़ी कलह का मुद्दा ही चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस पर बीजेपी से लेकर जेडीयू तक चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन अब सत्तारूढ़ पार्टी के अरमानों पर पानी फेरते हुए तेजस्वी से लेकर तेज प्रताप ने दूरियों को कम कर लिया है और दोनों भाइयों ने ऐसे बयान जारी किए जिसके बाद लालू परिवार में तकरार पर विराम लगता नजर आ रहा है। बिहार की सियासत में इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल में जोरदार घमासान मचा हुआ है। खबरें आ रही हैं कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी ने हाल ही में तेज प्रताप को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि बात अब हाथ से निकल चुकी है, लेकिन अब तेज प्रताप के तेवर थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हमेशा जगदानंद सिंह को अपने निशाने पर लेकर खरी खोटी सुनाने वाले तेज प्रताप अपने छोटे भाई के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं। तेज प्रताप ने ट्वीट करके कहा है कि चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। इससे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी को बच्चा, जगनानंद सिंह को शिशुपाल और संजय यादव को दुर्योधन तक कह दिया था, लेकिन अब उनका गुस्सा शांत होता नजर आ रहा है। इसीलिए तेज प्रताप शुक्रवार को तेजस्वी यादव से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी तेजस्वी से बातचीत नहीं हो पाई। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा कि वो अब पार्टी दफ्तर में भी जनता दरबार लगाएंगे। जो लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और जल रहे हैं, उनसे वो नाराज हैं। तेज प्रताप के तेवर नरम पड़ने के बाद तेजस्वी भी मामले को संभालते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़े भाई तेज प्रताप से मुलाकात ना हो पाने पर सफाई दी है। तेजस्वी ने कहा है कि तेज प्रताप आए थे, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन 4:30 बजे सोनिया गांधी की मीटिंग थी और मीटिंग में मुझे शामिल होना था, इसीलिए हम उनसे मिल नहीं पाए। इसी के साथ ही उन्होंने तेज प्रताप की जगदानंद सिंह से नाराजगी के सवाल पर कहा कि नाराजगी होती रहती है, लेकिन ये सब स्थिर नहीं रहता, रूठों को मना लिया जाता है। अब दोनों भाइयों के मिलाप के बाद माना जा रहा है कि पार्टी में छिड़ी कलह शांत हो गई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।